अमेरिकी संसद में वर्चुअल संबोधन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लगाई मदद की गुहार, तबाही का वीडियो दिखाया, बोले यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करें, रूस पर और सख्ती बरतें। जंग के बीच रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा बातचीत में कुछ सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, समझौते की उम्मीद जग रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला, यूक्रेन पर तुरंत हमला रोके रूस, पुतिन समर्थक कोई भी पक्ष ना दे सैन्य दखल। रूस यूक्रेन जंग के 22वें दिन भी तबाही का मंजर जारी, यूक्रेन के बड़े शहरों और कई राज्यों में हमले का अलर्ट, कीव में रूसी सेना के हमले से जल उठी कई इमारतें। यूक्रेन के कीव शहर पर जारी है रूसी फौजों की बमबारी, धमाकों से दहला शहर, इमारतों पर गिरती हुई दिखी मिसाइल। यूक्रेन की मीडिया का दावा, चेर्निहिव में रूसी सेना ने खाने के लाइन में लगे लोगों पर फायरिंग की, 10 लोगों की मौत। यूक्रेन में रूसी हमले तेज, ताजा तस्वीर सामने आई मारियोपोल से, रूसी सेना ने रॉकेट से एक स्कूल की बिल्डिंग को निशाना बनाया। यूक्रेन के टीवी चैनल यूक्रेन 24 का प्रसारण हैक होने का दावा, टीवी चैनल पर यूक्रेनी सेना से हथियार डालने की अपील की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 96 कॉमन फाउंडेशन कोर्स का समापन समारोह, पीएम मोदी दोपहर 12 बजे वर्चुअली करेंगे संबोधन। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आज 10वां स्थापना दिवस, समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि, सुबह 10:30 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा कार्यक्रम। पंजाब विधानसभा में आज नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ, डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर बने प्रोटेम स्पीकर, कल राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने दिलाई शपथ। त्रिपुरा विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू, राज्य में बीजेपी आईपीएफटी सरकार का यह अंतिम बजट होगा, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जिष्णुदेव वर्मा करेंगे पेश करेंगे बजट। तेलंगाना में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान निलंबित बीजेपी विधायक आज करेंगे अनशन, बीजेपी नेताओं ने कहा सीएम के चंद्रशेखर राव विधानसभा में हमारी आवाज दबा सकते हैं लेकिन बाहर नहीं। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में आज राज्यव्यापी बंद, अमीर शरीयत के मौलाना सगीर अहमद खान रश्दी ने सभी से बंद में शामिल होने और शांति बनाए रखने की अपील की है। योगी मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में 5.5 घंटे बैठक चली, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़े नेता हुए शामिल, राज्य में एमएलसी उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन हुआ। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा यूपी में बीजेपी जनादेश से नहीं चालाकी और बेईमानी से जीती। गृहमंत्री अमित शाह से उत्तराखंड के सभी सांसदों से ने मुलाकात की, राज्य के हालात पर करीब 1.5 घंटे तक चर्चा की, बीजेपी में सीएम को लेकर भी चल रहा है मंथन। उत्तराखंड में सीएम के लिए बीजेपी के उम्मीदवार बढ़ते ही जा रहे हैं, नया नाम उत्तराखंड के स्पीकर रहे प्रेमचंद अग्रवाल का है, प्रेमचंद ने कहा कि वो भी दौड़ में है। देखिए हमारा हर कार्यकर्ता योग्य है और निश्चित रूप से चौथी बार यदि मैं विधायक बनाऊं तो इच्छा स्वाभाविक रूप से रहेगी, लेकिन अंतोगत्वा निर्णय हाईकमान का रहता है। फिर गोवा के सीएम बनेंगे प्रमोद सावंत, सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक में होगा औपचारिक ऐलान, दिल्ली में प्रमोद सावंत समेत गोवा बीजेपी के कई नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की। हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया, माननीय मोदी जी का आशीर्वाद रहा हमसे, हाँ गोवा पे डबल इंजन की सरकार हम वहाँ पे रिपीट कर सके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी बन जाएगी। पंजाब में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भगवंत मान ने संभाला कामकाज, बोले दिल्ली की तर्ज पर पंजाब का विकास करेंगे, आप देश की तस्वीर बदल रही है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है।
भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के गांव में शपथ ली। बोले, ये मेरे लिए नई जगह नहीं, जो लड़ाई भगत सिंह ने लड़ी वही हम भी लड़ रहे हैं। मैं भगवंत मान ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा। बसंती रंग की पगड़ी और दुपट्टा लेकर शपथ ग्रहण देखने पहुंचे लोगों ने कहा, भगवंत मान को सबसे पहले शिक्षा, बेरोजगारी, नशा मुक्ति और भ्रष्टाचार को लेकर काम करना चाहिए। पंजाब में होली के बाद मंत्रिमंडल का गठन संभव। 19 मार्च को 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं, अभी डिप्टी सीएम पर कोई विचार नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के नए सीएम भगवंत मान को ट्वीट कर बधाई दी, कहा पंजाब के लोगों के हित के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। पंजाब से पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है आम आदमी पार्टी। पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मान फैसला ले सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया, कहा सोनिया गांधी के कहने पर पद छोड़ा। पंजाब के सभी सांसदों ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक सांसद जसवीर सिंह ने प्रभारी हरीश चौधरी पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया। दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के घर कांग्रेस की G23 नेताओं की बैठक हुई। आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल समेत 18 नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा, कांग्रेस 2024 में विश्वसनीय विकल्प तैयार करने के लिए समान विचारधारा वाले दलों से बात करें। बीजेपी का विरोध करने के लिए मजबूत कांग्रेस जरूरी। कांग्रेस नेतृत्व को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का हमला, कहा कांग्रेस के तीन इंजन खराब है लेकिन बदले डिब्बे जा रहे हैं। कपिल सिब्बल को कांग्रेस से निकालने के लिए चांदनी चौक जिला कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया। चांदनी चौक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा जावेद ने कहा, सिब्बल पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद में लगाया फेसबुक और ट्विटर का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को प्रभावित करने का आरोप। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने किया पलटवार। फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया जायंट्स इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दिस इज बियॉन्ड पार्टिसन पॉलिटिक्स। जमीन पूरी तरह से खिसक गई है। आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी आज बुरी तरह से वेंटिलेटर पर है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा चार राज्यों में जीत के बावजूद बीजेपी के लिए राष्ट्रपति चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। पीएम मोदी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी का पहला कश्मीर दौरा होगा। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है। गृह मंत्री अमित शाह का कल से 2 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा। 19 मार्च को सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा, कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार बना रही है सरकार, इससे उनकी मंशा साफ दिख रही है। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, लखीमपुर फाइल्स भी बननी चाहिए। बीजेपी का पलटवार, पश्चिमी यूपी से पलायन पर भी बने फिल्म। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। अखिलेश यादव के बयान पर अजय मिश्र टेनी बोले, अखिलेश यादव गलत तथ्यों से बात करते हैं, इस पर उन्हीं से पूछिए मैं क्या कह सकता हूं। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कहा, अखिलेश जी जब सत्ता में थे तब फिल्में क्यों नहीं बनवाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पलायन पर भी फिल्में बनाए। जम्मू कश्मीर के नौगांव में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया।
अगस्ता वेस्टलैंड केस में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। पूर्व सचिव शशिकांत शर्मा समेत वायुसेना के पूर्व चार अधिकारियों के नाम शामिल। फोन टैपिंग मामले में आईपीएस रश्मि शुक्ला से मुंबई पुलिस की पूछताछ। शिवसेना सांसद संजय राउत और एकनाथ खड़से के फोन अवैध रूप से टेप करने का आरोप। उन्नाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई। मतगणना से एक दिन पहले लेखपाल को रोककर अभद्रता करने का आरोप। सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में केस। 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार। यूपी में योगी सरकार के दोबारा सत्ता में आते ही बदमाशों में खौफ। गोंडा में हाथ में सरेंडर की तख्ती लेकर पहुंचा फरार चल रहा आरोपी गौतम सिंह। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूं और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे और डर गया हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए, आप तो सपोर्ट कर रहा हूं मैं। कानपुर में लाइन लगवाकर हाजिरी लगवा रहे हैं हिस्ट्री शीटर, फिर अपराध न करने की कसम भी खा रहे हैं। थाना इंचार्ज भी ने कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। योगीराज 2 में सहारनपुर में पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं अपराधी, अपराध से कर रहे हैं तौबा। शराब तस्कर से जुड़े 4 भाइयों ने मेहनत मजदूरी कर पेट पालने की कसम खाई। मध्य प्रदेश के झाबुआ में लड़के लड़कियों के बीच विवाद के बाद मारपीट। वीडियो में लड़के लड़कियों को पीटते हुए दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 7 लड़कों को अरेस्ट किया। त्योहारों का मौसम आते ही सक्रिय हुए मिलावटखोर। शिकायत मिलने के बाद खाद्य विभाग की टीम ने गाजियाबाद में मारा छापा। 50 से ज्यादा ठिकानों से लिए गए सैंपल। उत्तराखंड में होली के त्योहार से पहले अलर्ट हुआ खाद्य सुरक्षा विभाग। अभियान चलाकर लिए जा रहे हैं मिठाइयों के सैंपल। मुंबई में होली का दहन और होली को लेकर गाइडलाइंस जारी। 10 बजे से पहले होली का दहन करने का आदेश। डीजे बजाने, डांस कार्यक्रम रखने और ज्यादा संख्या में लोगों के जमा होने पर पाबंदी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मनाएंगे होली। आज शाम 4 बजे पांडे हाता चौराहे से होलिका दहन यात्रा में होंगे शामिल। फूलों की होली भी खेलेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।